तो डिस्ट्रॉट, लेकिन आज मैं बैग नहीं लेके जा रहा, क्योंकि सिर्फ एक लेक्चर है पूरे दिन में। एक लेक्चर नहीं, लंच से पहले एक लेक्चर है। लंच के बाद अगले बैग ले जाऊंगा। बैग ले जाने का मेन रीज़न मेरे लिए होता है भाई, मेरे को चाहिए होता चार्जर, ठीक है ना। फिर मैं लाइक काम वाम करता रहता हूँ पीछे बैठ के। एंड नहाया नहीं हूँ आज, मैं थोड़ा लेट ही उठा, फ्रेश हुआ ब्रश हुआ और चल दिया। वैसे भी एक इंसान अगर 2 दिन ना नहाए तो कोई बात नहीं, स्किन हेल्दी ही रहती है। ऐसे हमने दिया दिल को तसल्ली, इसी के साथ निकलते हैं। लेट्स डू बल्ली बल्ली। वो भी यू आर बेटी ऑफ ए इंडियन मॉम, हमारी भी न्यूज़पेपर में भर के दे देती थी कई बार। ज़रूरी थोड़ी ना फॉयल हर टाइम साथ हो। खैर जैसा भी, मैं बायोमेट्रिक लगाने आ रहा था, इतने में मैसेज आता है कि भैया एक ही बारी में हो गया, जो कोई गेस्ट लेक्चर है उनका सेमिनार हॉल में। डांट द फंडा, चलो भैया वापस। फिलहाल मैंने नवनीत को काम दिया था ग्राफिक्स बनाने के लिए पॉडकास्ट चैनल का। ग्राफिक्स मेरे पास आ गए हैं, उसमें से कुछ ग्राफिक्स हैं जो फाइनलाइज होने हैं, जिस पर कि फिर मेरी ब्रांडिंग हो जाएगी, चैनल की ब्रांडिंग होगी बेसिकली। एंड नवनीत का कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप भी उसको, मैं बहुत फुंड फाड़ बनाया लिटरली बता रहा हूँ, बिना ही मेरी किसी रेफरेंस के बना दी उसने, बहुत अच्छे बनाया, मैं बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। खैर जैसा भी है, अभी पंगा ये चल रहा है कि इस ये जो पॉडकास्ट चैनल होने वाला है, ये मैं दिल्ली घर पे शूट कर रहा हूँ या पीजी पे। भाई पीजी पे तो शूट करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। मेरा एक प्लान ये है कि अगर मैं घर पे शूट करता हूँ ना, दैट वुड बी मच फार बेटर। पर मेरे ना भूंड लग जानी, पता रीज़न ये है, मोनेटाइजेशन अभी तो एकदम से ऑन नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा थोड़ा मैटर है कि मुझे प्लान प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। ऑल दो कोई भी और नया सेटअप जो होता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ लॉन्च हो जाता है, पर उस प्लान पर टिकता नहीं है ज़्यादा टाइम तक। फिलहाल देखते हैं, या तो दिल्ली घर पे बालकनी में स्टूडियो बनाएंगे अपना। बहुत सारे जने हैं, 15 से 20, टोटल 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। और मैं प्लान कर रहा हूँ हर सैटरडे एक वीडियो रेगुलरली 6 मंथ। अब ये ढूंढना है, मतलब जितने हैं लिस्ट, जितने भी मेरे नोन्स हैं एंटरप्रेन्योर से सारे, उनके लाइफ से मैंने क्या सीखा और मैं क्या करते हैं, क्या कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। हर किसी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, मेरा थोड़ा सा प्लान है, मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, हर कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है। पर मैम तो जानती यार, इंट्रोडक्शन ले क्यों लिया, पर समझ नहीं आता। एक चीज़ दिखाऊँ तो, मैं भाई की घड़ी का टाइम देखा, 3 घंटे आगे, ताकि मैं जल्दी जल्दी काम करूँ। अरे भाई, दुनिया में सारी खुशी एक तरफ, पूरे दिन अटेंडेंस लगा के आने की खुशी पैस के आगे एक तरफ, एक तरफ दूध ले लिया, ब्रेड ब्रेड सेकूँगा, मस्त पीनट बटर लगाऊंगा, चाय के साथ खाऊंगा, सो जाऊंगा। थक गया था, बहुत काम कराया मैंने, दिमाग से काम कराया था, है ना। फिर चलते हैं भाई। फाइनली हमारे यहाँ ब्रेड तैयार हो गई, और मतलब गांव बसता नहीं, भुक्कड़ पहले आ जाते हैं। भुक्कड़ आ चुके हैं ना, फोन किया कि मैं मैंने बोलेगा कहा यार कुछ कहते कहाँ पर है, हो गया फ्री। मैंने कहा हाँ, तो जल्दी भी आ रही हूँ, दूध ले। मैंने खुद ही बता दिया, मैंने दूध वूध ले लिया है ना। अरे एक थैली था, फिर से एक थैली लेके आया हूँ पूरी ब्रेड। मेरे को लगा था शायद को कल ऑमलेट बना लूँ, इन्हीं ब्रेडों में सारी ब्रेड लग चुकी है। एक तो ये और एक ये, दो औरतें मेरी ऐसी की तैसी करती रहती। फिलहाल एक बार बन जाएंगे यमुनानगर, मानवी को ड्रेस वगैरह खरीदनी है। वो दिल्ली गई हुई थी जब आई यहाँ पे, मैं भी नहीं था, मैं भी बाहर गया हुआ था, चंडीगढ़ गई। चलते दिवेश भैया से भी मिलाएंगे, अब भी मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा इतना पता नहीं यार हो रहा है आईफोन का, मुझे सच में नहीं पता। जब अपग्रेड नहीं करते ना कई बार कुछ चीज़ें, मतलब कुछ नया लेते नहीं, तो मोटिव नहीं समझ आता मेहनत करने का यार। स्टिल सेविंग तो अच्छी बात है, सेविंग है, बट मैं कभी भी सेविंग्स पे डाउट नहीं करता। बट होता है ना, एक नहीं यार अबे अबे कितने सुमड़ी भाई, अंदर चल पुजू, गो इन फिलहाल मैं बाहर में निकल रहे। ओ अंदर चल, अंदर चल, शूट कर रहा हूँ, भाव क्या खा रही है। बोला मैं बाहर में निकल रहा है। हेलो, मैंने आईफोन का डब्बा, अपने फोन का डब्बा वब्बा भूल गया, बहुत बार हमने उंगली उंगली करी बहुत देर से, मैंने लू ना लू। अब देखो अगर कोई टकराता तो ले लेंगे। और तो यहाँ पे जो दुकान है जिनसे पहले बात हुई थी, एक बार उनके पास जाऊँगा अगर वो आओ। फीड 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 वो
ट्रीट हाँ कैल्शियम मूव देता। तो फिलहाल लिविंग फॉर द यमुनानगर एंड लेट्स एक तो मानवी को कपड़े लेने प्राइमरी काम हो रहेगा। अगर फ़ोन का मैटर सेट हुआ तो फ़ोन और ना भाई देखो मन उसमें दिक्कत आ रही है सच बता और दिक्कत आ रही है कॉलिंग्स की आ रही है। रील्स नहीं कह सकते प्रॉपरली रील्स तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा अब डेटा जो है ख़त्म कर रखा है। पहले मंदिर ये बैग में डाल लेना तो बेसिकली हाँ तो बेसिकली क्या था ना मानवी ने वो बोला था अभी उसका कुछ हो गया था तो बोला था बाबू अगर वो मिल जाता तो चॉकलेट खिलाऊंगा और भाई चंद सेकंडों में मिल गया। तो मानवी सिंह की पहले यही कर लेते हैं बाबू को चॉकलेट खिलाया थे मानवी खिला लेगी मैं भारी खड़ा रहूँगा। हाँ बस आखिरी में देखो जो है तो है एवरीथिंग इज आज एक दोस्त ने आप आज मेन बंगला था आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देते ना जब तक आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देते क्या होता है ना हमारा दिल कर मानता नहीं यार कि और मेहनत करी जाए मानते नहीं कि और मेहनत करी जाए जब तक हम अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देते। और उसके अंदर फंडा ये होता है कि भाई रिवॉर्ड मतलब ये नहीं कि आप बहुत कुछ बड़ी चीज़ ले रहे हो बट एटलीस्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल कुछ अच्छा दो ताकि मेहनत करने का ना मन करता रहे। ये चीज़ें मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से सीखी है कि जो बंदा होता है जो वो काम कर रहा होता है आपके लिए यू हैव टू रिवॉर्ड हिम ताकि ना वो मोटिवेट हो। और ये सेम चीज़ ना कई बार अपने आप पर भी लागू होती है। मेरा बहुत टाइम से मन था कि आईफोन 10 और जब भी मैं उस फ़ोन को भाई मैं उस नस्ल की उस प्राणी को अपने हाथ में लेता हूँ ना मैं हमेशा सीधे सोचता हूँ चलो यार लेते हैं। तो जाओ नहीं कोई नहीं पाऊंगा सर मेरे को अच्छा ही बोलते गया था मैं सच में मैंने आईफोन ले लिया और मैं ये भूल गया कि इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं होता। फक भाई ये चीज़ मुझे अब नज़र आई है। खैर जैसा भी है फिलहाल मैं आया था पर्सनल पार्टी करने एमएम कॉन्फिडेंशियल एंड ये सीन सारे आईफोन से शूट हो रहे हैं लेकिन अब पैस की आग सिनेमैटिक्स में मज़ा आएगा नेक्स्ट लेवल देखते हैं कैसा रहता है।